गोराई मनोरी गांव के निवासी MMRDA एवं मुंबई महानगर पालिका के प्रस्तावित पदरी पुल का कड़ा विरोध कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर पिछले दिनों एक बड़ा आंदोलन भी किया गया था, लेकिन MMRDA प्रशासन एवं मुंबई महानगर पालिका प्रशासन इस मुद्दे को लेकर के अभी कोई भी सकारात्मक रुख नहीं अपना रहा है, जिसके कारण गोराई मनोरी गांव की जनता के हित में अब आवाज़ बुलंद करने की बात आम आदमी पार्टी मुंबई प्रदेश अध्यक्ष प्रीति शर्मा मेनन ने कही है। इसी मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं की बैठक गोराई चर्च में, यह देखिए, गोराई मनोरी गांव के हजारों नागरिकों के साथ हुई है। आगे की रणनीति को लेकर के यह चर्चा हुई। जल्द ही एक बड़ा आंदोलन आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में गोराई मनोरी गांव की जनता करने वाली है। पेश है खास रिपोर्ट। आज आपन एक विशेष कारण आपन विशेष साधना के ला कारी वाला सामने डाल के ला दूसरा इश्क कारण आज आपन विश्वास है रोहित भी पता नहीं है विक्री भी करने ना है आम आदमी को शब्द एक्चुअली एक पर सामने की गरज नहीं है ये मंचा पर बसे रहे सके जो हमसे लीडर था यहाँ इतना सुंदर पर्यावरण कुठे
आगे यही पहुंच जाएगी और एक जन आंदोलन हो जाएगा जो MMRDA के बारे में हुआ था, सेज के बारे में हुआ था, जब सब पब्लिक जमा हुए थे और एक मोटा मोर्चा हमने निकाला था, वही आगे बढ़ेगा। बहुत जन को दिया है, सब जन को पहुंचा है, सिग्नेचर कैंपेन सबने किया है। इसके बारे में हमने पानी के बारे में और ब्रिज के बारे में बहुत से जन जागृति हो गए और सरकार को मालूम है। आई थिंक यहाँ पे हम लोग गोराई गांव के लोगों की मदद करने नहीं आए हैं, हम उनकी मदद लेने आए हैं, क्योंकि बरसोवा से लेके उत्तन तक ये जो पट्टा है ये मुंबई का सबसे खूबसूरत इलाका है। यहाँ पे हमारे भूमिपुत्रों की इतनी पुरानी कल्चरल, इतनी पुरानी रिलीजियस कस्टम्स आज तक जीवंत है, उनको बचाना है और उनको बचाने के लिए हर मुंबईकर का, हर महाराष्ट्रन का, हर देशवासी का फ़र्ज बनता है। तो हम आए हैं यहाँ पे क्योंकि गोराई के लोग स्पेशली बहुत ही मजबूती से इस तरीके की डेवलपमेंट के खिलाफ हैं जिससे उनकी संस्कृति, उनका रहन सहन, उनका पर्यावरण नष्ट होए। इन्होंने हमेशा बढ़ चढ़ के लड़ाई लड़ी है और हम उनसे ये प्रेरणा लेके उनके साथ इस लड़ाई में जुड़ने आए हैं। नहीं, गोराई की सिर्फ अकेले गोराई की समस्या नहीं है, ये पूरे समुंदर किनारे में रहने वाले जो जो मछुआरे बांधव हैं उन सबकी समस्या है। क्योंकि आज के दौर में ये बाजारवाद का जो युग है उसमें सब चीज़ें सिर्फ पैसे में तोली जाती हैं, समुंदर हो, किनारा हो, ज़मीनें हो, जंगल हो, लेकिन उस पर जीविका निर्भर है बहुत सारे लोगों की, मजदूरों की है, मछुआरों की है, आदिवासियों की है, उसका कोई मोल आज के दौर में नहीं है। हम ये जताना चाहते हैं कि ये देश जनतांत्रिक देश है, यहाँ संविधान ने हर नागरिक को अपनी जीविका का अधिकार दिया है, उसको कुचल कर आप सिर्फ धंधे की बात नहीं कर सकते। तो यहाँ जो तालाब का सुशोभीकरण हो रहा है या कोस्टल रोड की बात हो रही है उससे पर्यावरण का नुकसान है, उसमें लोगों की जीविका का नुकसान है, और एक तरफ सरकार कह रही है कि गोहत्या बंदी है, लेकिन यह तालाब में जो गोधन आता है, जो भैंस, गाय, बैल पानी पीने आती है, वो कहाँ जाएंगे? ये पूरा खारा पानी का इलाका है, मीठा पानी कम बचा है, और वो जो वहाँ पे पारंपरिक साधन है उनका,
उस तालाब पे जो जानवर जाते हैं उनको कहाँ सुशोभीकरण के नाम पे आप सब ये बांध दोगे और जानवरों के लिए जगह नहीं रहेगी, लोगों के लिए पानी के अन्य जो उपयोग है, कपड़े धोने हैं, नहाना है, उसके लिए भी पानी नहीं बचेगा। तो आप ये तालाब को देख रहे हो सिर्फ पैसे वालों के नज़रिए से, आम जनता की ज़रूरत की नज़र से नहीं देख रहे हो, इसी की तरफ हम ध्यान खींचना चाहते हैं। मैं ये बोलूँगा कि राणे साहब, बीजेपी तो देखा जाए स्टार्टिंग से एक बिजनेस पार्टी है, बीजेपी बिजनेस के ऊपर काम करती है। मेरा मानना ये है कि जो ये एक्सर वर्ल्ड का एरिया है ये अडानी के कब्जे में जा रहा है, ये ब्रिज बना के सीधा सीधा अडानी को फायदा दिया जा रहा है ताकि वहाँ डेवलपमेंट इनको बर्बाद किया जाएगा। अडानी एक आदमी को बेनिफिट करने के लिए ये हमारे भाजपा के जो इस एरिया के नेता हैं ये सारी पॉलिटिक्स उनकी है कि ये बोले वाले लोग हैं, इनको गुमराह करके ये करके काम कर लेंगे। पर उनको ये नहीं मालूम कि ये बोले वाले लोगों के पीछे आम आदमी पार्टी जैसे कई कार्यकर्ता खड़े हैं और ये पहले वैसे भोले वाले लोग नहीं हैं, ये जागरूक हो चुके हैं। तो मेरा ये मानना है कि बीजेपी बिजनेस की पॉलिटिक्स को बंद करे तो अच्छा है, नहीं तो वैसे तो आप देख रहे हो बीजेपी में का सफाया हो गया इस एरिया में। इस एरिया से बीजेपी 100% वोट लेती थी और आज देखने के बाद लगता है कि बीजेपी अपना मुँह भी नहीं दिखाने यहाँ आ पाएगी।